हैप्पी संक्रांति फ्रेंड्स। अभी मतलब ये इस टाइम पे मैं वीडियो खींच रही थी तब 4 बज रहे थे, मतलब ऑलरेडी मैं 3 o'clock को उठ चुकी थी। तब से मैंने घर के अंदर पूरा काम करके फिर रंगोली बनाना शुरू किया। एक्चुअली मैंने देखा तो यहाँ पर कलर्स नहीं हैं, और ये जानकारी मुझे इसलिए नहीं थी क्योंकि मैं यहाँ हमेशा नहीं रहती हूँ, अभी फेस्टिवल के लिए ही आई हूँ। ये हमारा ससुराल है, हम लोग हैदराबाद में रहते हैं, ये आप सबको पता ही है। तो मेरा नाम श्रावणी है। अभी तक कोई मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं एक तेलुगु की लड़की हूँ जो हिंदी में व्लॉग्स बनाना स्टार्ट किया है मैंने। और अभी कल सुबह, आज बोगी था, और कल सुबह मतलब जैसे सुबह होगी तब मकर संक्रांति है, तो उसी पर्व दिन के कारण मैं रंगोली बना रही हूँ। और मैंने रंगोली बना दिया है, और मैंने सोचा कि बनाने के टाइम पे आपके साथ थोड़ा सा शेयर करूँगी। तो फिर मैंने अपना रंगोली में दो हाथी भी बनाया है वेलकम में, और ये जो है पतंग उड़ाते हैं वो भी बनाया है, और ये फ्रूट होता है कद्दू, उसका भी इस त्यौहार में दान किया जाता है, उसी सिंबल में मैंने कद्दू भी बनाया है। और ऐसे देखिए मेरा रंगोली पूरा बन गया है सुबह तक। और देखिए ये भगवान जी का पाद भी मैंने छाप दिया है। अगर आपको रंगोली सुंदर लगी तो प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और देखिए मेरे चैनल में मतलब ये मेरी बेटी है, अभी इसको मैंने निलाया था, तो वो एक फूल लेके हर दिन जाती है ये मंदिर जाके, मतलब भगवान जी के पास, अगर वो खुला हो बंद हो उसको कोई मतलब नहीं है, जाके अपना मतलब पूजा करके आती है। एक तुलसी दल भी ले रही है क्योंकि वो सीता और राम जी का मंदिर है। और ये सब कुछ होने के बाद आखिर हम लोग जो है फेस्टिवल क्या है कि मकर संक्रांति जो है उसके दिन में क्या करते हैं, वो मैं आप सबको अभी पूरा प्रोसीजर स्किप नहीं करना है, मैं आपको दिखाऊँगी। मतलब इस दिन क्या है कि जो हमारा पितृ देवता होते हैं, मतलब मेरे मम्मी पापा के मम्मी पापा, उनके मम्मी पापा जो मतलब गुजर गए हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, उन लोगों को मतलब उनका पूजा करते हैं। एक पंडित जी, मतलब जो हमारा पंडित जी होते हैं, वो अपने घर पे आते हैं और हम लोग उनका पैर धो के आशीर्वाद लेते हैं, और वो घर के अंदर आके पूजा करते हैं, और वो अपना दक्षिणा लेते हैं और उनको संतुष्ट करके भेजना होता है। और ये सब प्रोसीजर अभी आप लोग देख लीजिए। पंडित जी आ गए हैं, और मेरा सासू जी और सासू माँ है, दोनों अपना पैर धो के आशीर्वाद ले रहे हैं, और मैं उधर कैमरा సంపూర్ణ ధాన్యాభివృద్ధిరస్తు మనోవాంఛాఫల సిద్ధిరస్తు. సరే ఈ నీళ్ళు మీరు కూడా తలుకోండిరా. ఉండండి, తుడిచిపర కాళ్ళు మళ్ళీమ్మా. ఏం కాలే, और दोस्तों मैं इतना खुश हूँ कि पंडित जी ने मतलब बेस्ट कॉम्प्लीमेंट दिया मुझको। मेरे सासू माँ को बोला कि ये बहुत सांप्रदाय लड़की है ऐसे। బయట ఉన్నాయి ఇస్తా. బెల్లం
ब्राह्मण चंपी दान पवर्फुल का धर्म का उड़ेट ब्राह्मण निजमूर्ण गमनार्थं रक्षसां कुरु घंटारवं तत्वा देवता क्वनलंकनं पुसर्पन्ते भूताये भूताग्ने समस्ताः ये भूताग्नेकर्तार तेनस संतु शिवाग्नया शुद्ध देवतालोकं देवत्वं विष्णुनाथः पञ्चमार्य वाग्देवी पवित्रं पुरुषासनं ओं त्रि महागणाधिपतये नमः प्रणव देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीपते हेना मैत्रीवतु माता महासरस्वत्यै नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः सद्यो जातं ब्रह्मज्ञानं सद्यो जाताय वै नमो नमः भवे भवे नारकोत्तमाय नमः वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमः रुद्राय नमः कलाय नमः कलविग्रहणाय नमो बलाय नमः बल प्रमदनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्यो अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो कृतभूषे सर्वेभ्यो सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते कर्तृरूपेभ्यः तारु आचम्या केशवाय स्वाहा नारायणाय स्वाहा माधवाय स्वाहा गोविंदा विष्णु मधुसूदना त्रिविक्रमा वामना श्रीधरा किनभुसेम श्रीकेशा पद्मनाभा दामोदर संघर्षण अनुरुद्ध वासुदेवा प्रद्युम्ना अधोक्षया नारसिंह अच्युता जनार्दना उपेन्द्रनये श्रीकृष्णाय नमः शुभाभ्यां शुभे शोभने अभ्युदय मुहूर्ते श्री महाविष्णुराग्नेय प्रवर्तमान सज्ज ब्रह्मणः कृते पराब्धे श्वेतवराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिण दिग्भागे श्रीशैलेश्वराग्नेय प्रदेशे कृष्णा कावेर्यो मच्छ प्रदेशे सकल यजमान सत्गृहे समस्त देवता सन्निधोऽस्मिन् वर्तमानेन जामहारिका चान्द्रमानेन शुभकृतनामसंवत्सरे दक्षिणायने भगिनी मम देवान्यस्य मकर संक्रमण दिवसे स्वस्त्री शुभकृतुनाम संवत्सरे उत्तरायण पुण्यतिथौ शुभकृतु सकल दोष निवारणार्थं पौष्यमासे शुक्लपक्षे तदनन्तरा कृष्णपक्षे अष्टम्यां वासरः वासरस्तु शुभवासर भानुवासर युक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकर्ण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां श्रीमान् श्रीमतः एञ्जल्लघुप्रभवस्य सुप्रसादनामदेवस्य तद्धर्मपत्नीसमेतस्य प्रमीलानामदेवत्यं हिमानस्तकुमारस्य विनोदकुमारनामदेवस्य तद्धर्मपत्नीसमेतस्य वेङ्कटराणीनामदेवत्यं हिमानस्तकुमारस्य हेत्विकानामदेवस्य संपूर्ण माता पिता षोडशोपचार पूजाञ्चकरिष्ये ॐ गणानान्त्वा गणपतिं भवामहे कविं कवीनामस्त्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पदानुश्रण्वन्नोदभिस्सिद्धसाधनं ध्यायामि धनं समर्पयामि आवाहयामि आदं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि पादयोः स्नानो
మీరు నోరు ఈ టోల పడతా ఉండవు మంచిది జరుగు
पूर्व संकल्प प्रकारेण गोत्र उद्धवस्य यजमानस्य लिंगय्य आमूरक्ष संज्ञानं सैवन्यनं शतांबूलं बियं पप्पु उप्पु मिरप काया कलुपु चमरु कासिलोनु गयलोनु आमदान मल्दिमस्तदि तुभ्य बहु संप्रतते नमः मम यजमानस्य द्वितीय रूपाणां आय नान पेरे लेमाय लिंगय नान पेरे मुसलय्य दास द्वितीय रूपाणां एदत्ते आमूरक्ष संज्ञानं सैवन्यनं शतांबूलं बियं पप्पु उप्पु मिरप काया कलुपु चमरु कासिलोनु गैलोनु मम आमदान फलितमस्तति तुभ्यमहं समर्थते नमः मम यजमानस्य तृतीय रूपाय मूडायं पेरेन्दि मुसलय्य नाम पेरे प्रथम द्वितीय तृतीय रूपाणे आमूरक्ष सव्यानम सैवंजनम शतांबूलम बीयम उप्पु मिरप काया कलुपु चमरु काशिलोन गैलोन तम आमदान रंगम पेरे अत पेर मम यजमानस्य प्रथम रूपाणं रंगम्म द्वितीय रूपाणं लक्ष्मीदेवम्म तृतीय रूपाणं मूडाम पेरु माय मूडाम पेरुंदि मूडाम पेरु अत्त गारु अच्छदम अत्त तेलियदिगा यज्ञम्म प्रथम द्वितीय तृतीय रूपाणं एदत्ते आमूरक्ष संज्ञानं सैवन्यनं शतांबूलं बियं पप्पु उप्पु मिरप काय कलुपु चमरु काशिलोन गैलोन मम आमदान संपूर्ण आयुष्याभिवृद्धिरस्तु दीर्घ सुमंगली भव कुमारस्तु कुमार्याः संपूर्ण सकल विद्या फल प्रसाद सिद्धिरस्तु मनोवांछा फल सिद्धिरस्तु अखंड विद्या पूजा कंप्लीट हो गया है फ्रेंड्स, मतलब जो हमारा पूर्वज है जो अभी इस दुनिया में नहीं है उनको मतलब सब कुछ दे दिया है, और पंडित जी भी अपना घर पे चले गए हैं वापस। अब वो पूजा सब खत्म होने के बाद खाने की तैयारी हो रही। ऑलरेडी मैं पूजा से पहले ही पोंगल ही बनाया था और दाल भी बना के रख दिया था, बस उसके साथ खाने के लिए चटनी बना रही हूँ। और ये व्लॉग में इसलिए मतलब ये भी इसलिए ऐड किया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगी कि अभी तक क्या हुआ तेलुगु में, आपको समझ में नहीं आएगा। वही कि वो आए हैं, पूजा किया और वो चले गए। अभी हम लोग खाना भी खा रहे हैं, देखिए हमारा मतलब हम लोग अभी क्या खा रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये पोंगल ही है जो चावल गुड़ और थोड़ा सा मूंग की दाल और गुड़ इलायची, ये चार पांच चीज़ें डाल के बनाते हैं। और ये वही चटनी है जो मैंने अभी बनाया था, और इनके साथ थोड़ा सा दाल और थोड़ा सा घी डाल के अभी मैं अपने हस्बैंड को मतलब उनको खिलाने के लिए रख के दे रही हूँ। यही आज का सुबह खाना है। और बहुत लोग बहुत कुछ वैरायटीज़ करते हैं, लेकिन अभी 7 ही बज रहा है और पंडित जी को आना था पूजा करके, इसलिए 7 बजे से पहले इतने से ज़्यादा नहीं बन पाई मैं।
बाद में बनाऊंगी और मैं आगे के ब्लॉग्स आपको साथ शेयर करूंगी। और ये गुड चावल इसी को पंगली बोलते हैं और आज का दिन तो स्पेशल बनता है। साउथ इंडियन के घर में तो हर मतलब कुछ भी स्पेशल। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, कीप सपोर्टिंग मी, थैंक यू।